they're so rich and they're so beautiful and they're so inspired by the colors of earth, the colors of vegetation, the colors of the sun. और हर हर पेंटिंग में हर वर्क में एक स्पिरिचुअल मोटिव है जो बिल्कुल खुला है इंटरप्रिटेशन के लिए. तो इन्होंने जो सोच के पेंट किया और मैंने जो देख के इंटरप्रेट किया वो शायद अलग हो सकते हैं, पर सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी आप किसी वर्क को देखते हैं तो सबसे पहले आपका दिल छू जाता है, हार्ट टच हो जाता है और फिर एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है. एंड दैट इज़ व्हाट गुड आर्ट शुड डू. तो जब भी आप किसी पेंटिंग को देखते हैं और दो लोगों या तीन चार लोगों के बीच बातचीत शुरू होती है उस वर्क पर, तो फिर वो वर्क ब्यूटीफुल है, सक्सेसफुल है, कहीं आपके आपके दिल को छू गया है वो वर्क. सो एक्चुअली जब मुझे इनवाइट किया गया तो मैंने ये देखा था कैटलॉग पे, ये बहुत मुझे बहुत खूबसूरत लगा, पर यहाँ देखने के बाद इस वॉल के पीछे जो है जो स्क्वायर वाला ओम वो बहुत ही खूबसूरत है. वो ओनली स्क्वायर वर्क है आपका पूरा इस दो और एक ग्रीन वाला भी मुझे बहुत पसंद आया जो उस वॉल पे था. बात यह है कि सारे रमेश जी के वर्क्स जो है ना अनटाइटल्ड हैं, तो अगर अनटाइटल्ड हैं तो मैं ये बोल भी नहीं सकती कि वो वाला मुझे अच्छा लगा, पर मैं कह सकती हूँ ये वाला अच्छा लगा, ये ओम जो पीछे था अच्छा लगा, एक ग्रीन जो अगले हॉल में था बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, मुझे दिखाई दे रहा है आपने कितनी मेहनत की है इस कलेक्शन को तैयार करने में, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ दिस इज गोना बी अ सेल आउट. गॉड ब्लेस यू, डिजर्व ऑल द गुड थिंग्स विल कम योर वे नाउ. हाँ जी, मैं थोड़ा पॉटरी करती हूँ कभी कभार और मैं लाइन ड्राइंग्स करती हूँ ड्राइंग्स, पर अभी तक शायद मैं आपके पास आऊँगी लेसन्स के लिए. मैंने कैनवस पर कभी ऑयल वर्क्स नहीं किए हैं. तो you are most welcome Manjula ji, because you are really an enlightened person and your eloquence, the way you have described the effect of the art on you, you would be a wonderful brand ambassador for art. Thank you and so I hope you take interest in Ramesh ji's work. It is Ramesh ji's work that made me say all this. It is Ramesh ji's work that brought out these reactions in me. Very very beautiful. Ramesh ji, aap kya kehna chahenge jo koi Bollywood star hai, aapke kala ki tareef karta hai. It's my pleasure. Jo aaye hain, main sab Manjula ji ka bhi dhanyawad karta hu. उन्होंने जो मेरे वर्क के बारे में अप्रिशिएशन किया है, उनको जो पसंद आया है, जो तारीफ़ की है, और सवेरे से मैं देख रहा हूँ गैलरी में जो भी लोग आ रहे हैं उनका जो फीलिंग है वो आके मुझे बता रहे हैं, जो फीलिंग उनके कलर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में लेके सब खुश है. यही मेरी क्या बोलेंगे इसको, खुशकिस्मती है कि लोगों को वो पसंद आ रहा है. ये मेरी खुशकिस्मती है. 4-5 साल से इस शो के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आज मुझे पता चला कि ये मेहनत पे मैं सही जा रहा हूँ. अलग नहीं, पद्मावती या किसी पर मैं कोई अभी जवाब नहीं. जिस चीज़ जिस विषय के लिए मैं यहाँ आई हूँ उस पर अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे. घर में कितने पेंटिंग्स हैं? मेरे घर में इनफैक्ट मेरे लिविंग रूम में ही 1, 2, 3, 4, 5 वो अब बिल्कुल मेरे लिविंग रूम में जाएगा या बिल्कुल लिविंग रूम के बाहर जैसे लोग अंदर आते हैं वहाँ पे मैं लगा दूँगा. मैडम एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आजकल कलेक्टर्स बहुत हो रहे हैं इंडिया में. आप सजेस्ट करते हो कि ये पेंटिंग्स खाली आनंद के लिए तो है, आपको देखिए मेरा जो चल लेते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे? नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छे हैं. मैंने जब भी किसी आर्ट को देखा है या ख़रीदा है, मैंने ये नहीं सोचा कि ये इस आर्टिस्ट का है या ये बड़ा नाम है या ये इसका वर्थ ये है वो है. अगर वो आप पीस ऑफ आर्ट मुझे खुश करता है, दिल को छूता है, अगर मैं अपने घर पे लगाना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि जब लोग आएंगे पूछेंगे इसके बारे में और लाइक आई सेड लाइक इट स्टार्ट्स कॉन्वर्सेशंस,
then it is a work of art that you should have. It should please you. Or agar aapke ghar mein day in and day out aap dekhenge, it should be something that you can live with. Feel difference. Yes. Yes, you can feel it. फील होना चाहिए बिल्कुल फील होना चाहिए फॉर मी आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट आर्ट लाइक दैट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है या ये नहीं नहीं इट्स ऑल अबाउट हाउ द पेंटिंग मेक्स यू फील एंड वेदर यू कैन लिव विद इट फॉर द यू नो फॉर दैट इज फर्स्ट थिंग इट शुड बी इन योर हाउस यू लिविंग विद इट यस इट शुड ब्रिंग यू इट शुड मेक यू फील समथिंग नॉट सैड मेक यू फील हैप्पी मेक यू फील गुड स्पोकन लाइक अ ट्रू आर्ट लवर अ ट्रू आर्ट लवर एज बीइंग एन आर्टिस्ट हर्सेल्फ This is a lot of, you know, good praise, positive praise. For this we are very privileged to have you here. Thank you very much, Shailesh. Thank you so much for inviting me. I'm really happy that you did because I love the work that I've come to see. Thank you. Thank you. Thank you.